नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और एक बार फिर स्वागत है आपका भारत एट नाइन के स्पेशल एडिशन में। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। कामयाबी कब और किस उम्र में मिले कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ लोग कामयाबी की राह तकते तकते उम्र के ऐसे पड़ाव पर पहुंच जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ ऐसे लोगों के साथ जो बिना अपने फायदे के बस दूसरों के फायदों के लिए काम करते रहे, लेकिन उम्र के इस पड़ाव में उन्हें बेहतर काम करने के लिए दूसरों के लिए प्रेरणा बनने के लिए सम्मानित किया गया। वो नाम जो कभी किसी ने ना सुना थे, वो नाम जो कभी किसी ने ना सुने थे, आज लाइमलाइट में है। महिला शक्ति को सम्मानित किया गया। हर टीवी चैनल पर ये तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। देखिए, करीब 141 लोगों को सम्मानित किया गया, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे हैं जिन पर विशेष नजर डालना जरूरी है, क्योंकि रियल लाइफ के हीरोज को तो सब जानते हैं, सब पहचानते हैं, लेकिन रियल लाइफ के जो हीरो बनकर देश के सामने आए हैं उनसे सीखना जरूरी है। वो आज हमारे लिए प्रेरणा बने हैं जिससे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिल सके। तो चलिए आज आपको हिंदुस्तान के आम राष्ट्रपति से सम्मानित ऐसे लोगों से मिलवाते हैं। अपने क्षेत्र में कामयाबी हासिल करने वाली और लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रही 34 महिला समेत 141 लोगों को सोमवार को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश की इन महिला शक्ति को अपने हाथों से सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में पूर्व मंत्री सुषमा स्वराज को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया। वहीं ओलंपियन बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को पद्म विभूषण दिया गया, जबकि एक्ट्रेस कंगना रावत और टीवी सीरियल निर्माता एकता कपूर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। सोशल मीडिया पर लोग इनकी तस्वीरें काफी ज्यादा वायरल कर रही हैं। पहली महिला एयर मार्शल वायुसेना की ड्रेस में पहुंची तो सम्मान में गूंजी तालियां। 27 वर्षीय देश की पहली महिला एयर मार्शल डॉक्टर पद्मा बंदोपाध्याय को 37 साल की इंडियन एयरफोर्स की सर्विस और चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतरीन काम के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वो अपना पुरस्कार खुद लेने पूरे जोश खरोश के साथ वायुसेना की ड्रेस में पहुंची थी। उन्हें देखकर हर किसी ने तालियां बजाकर उनका अभिनंदन किया, अभिवादन किया। अपने करियर में वो भारत की एयरोस्पेस मेडिकल सोसाइटी की फेलो बनने वाली पहली महिला रही। वो उत्तरी ध्रुव पर वैज्ञानिक शोध करने वाली पहली भारतीय महिला है। वो वर्ष 1978 में रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज पाठ्यक्रम पूरा करने वाली पहली महिला सशस्त्र बल अधिकारी है। पद्मा एयर हेडक्वार्टर में डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विस थी। 2000 में वो एयर वाइस मार्शल में पदोन्नत होने वाली पहली महिला बनी। मैरीकॉम को मिला खेल के लिए पद्म विभूषण। 7 सम्मानित लोगों में 2 महिलाएं। साल 2020 के लिए जिन 7 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, उनमें सार्वजनिक मामलों के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस मरणोपरांत, पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज दोनों को मरणोपरांत, मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ मरणोपरांत, कला के लिए उत्तर प्रदेश के पंडित छनुलाल मिश्र, खेल के लिए मणिपुर की मैरी कॉम और आध्यात्म के लिए कर्नाटक के उडुपी स्थित पेजावर मठ के श्री विश्वतीर्थ स्वामी मरणोपरांत शामिल हैं। स्पोर्ट्स में इन महिलाओं का रहा जलवा, रानी रामपाल भी सम्मानित। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल को खेल के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया। उषा चोमर, घर घर जाकर शौच को साफ करने वाली उषा चोमर ने भी कभी कल्पना नहीं की होगी कि उन्हें पद्मश्री सम्मान मिलेगा। पद्मश्री मिलने के बाद उषा चोमर से मेला ढोने के दिनों के बारे में पूछा तो झकझोर देने वाली कहानी सामने आई है। उषा चोमर कहती हैं कि सालों तक मैला ढोया, जिसके कारण अब वो कभी दाल नहीं खा पाती, ना उसके घर में दाल बनती है। दाल के रंग को देखकर मैले का दृश्य आंखों के सामने आ जाता है।
उल्टी जैसा मन होता है। यही नहीं, मैला साफ करने के बाद घर आने पर भी चक्कर आना, जी मिचलाना आम बात थी। आए दिन बीमार भी हो जाते थे, फिर भी काम करना पड़ता था। 10 रुपए में मैला साफ किया। 7 साल की उम्र से मैला ढोने वाली उषा चोमर की 10 साल की उम्र में ही शादी हो गई थी। करीब 18 साल पहले 2003 तक मैला साफ किया है, जिसके बदले एक घर से 10 रुपए महीने में मिलते थे। करीब 10 घरों की सफाई करने के बाद 100 रुपए महीने का इंतजाम होता था। बेहद दुखद। 2003 के बाद सुलभ इंटरनेशनल संस्था के संपर्क में आने के बाद उषा का जीवन बदल गया। खुद को आत्मनिर्भर बनाने के बाद उषा ने मैला ढोने के काम में जुटी महिलाओं को नई राह दिखाई, उन्हें दूसरे कामकाज के लिए प्रेरित करने का जिम्मा उठाया। झोली में फेंकते थे खाने पीने का सामान। उषा चोमर बताती हैं कि 2003 से पहले जिन घरों में मैला ढोने जाती थी, कभी कभार उनसे कुछ खाने पीने की चीजें मिलती थी, वे उनकी झोली में दूर से ही डालते थे, कोई पास आकर खड़ा नहीं होता था। टॉयलेट साफ करने का सामान देते थे तो दूसरी सीढ़ियों में ही रख देते थे, हम वहाँ से उठाकर लाते थे लेकिन नजदीक नहीं आते थे, लोग उन्हें छूते नहीं थे, ना ही दुकान से सामान खरीदने देते थे, मंदिर और घरों तक में घुसने की इजाजत नहीं थी। नाले या कचरे में फेंकते थे मैला। वे बताती हैं कि घरों का मैला उठाकर नालों में फेंका जाता था या फिर आसपास कहीं कचरे में, लेकिन 2003 के बाद उन्होंने महिलाओं को प्रेरित किया, मैला ढोने का काम छोड़कर आचार बनाने और सिलाई करने जैसे अनेक दूसरे कामों से जोड़ा। स्व सहायता समूह नई दिशा बनकर आई, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान दिया। वे बताते हैं 2003 के बाद समाज में धीरे धीरे बदलाव आया, मैला ढोना बिल्कुल बंद हो गया है। दरअसल सोमवार को दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में उषा चोमर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री से सम्मानित किया। सम्मान लेने के बाद भी उषा ने कहा कि जीवन में कभी सोचा नहीं था कि मैला ढोने वाली को पद्मश्री जितना बड़ा सम्मान मिल सकेगा। अब तो लगता है कि जीवन ही बदल गया, इसी कारण कई देशों की यात्रा कर चुकी हूँ, सफाईगिरी का प्रधानमंत्री से अवार्ड भी ले चुकी हूँ। उषा चोमर को 2020 में पद्मश्री अवार्ड देने की घोषणा हुई थी, लेकिन कोरोना के चलते सम्मान अब नहीं दिया गया। उषा चोमर मंगलवार को दिल्ली से अलवर आएंगी। अंबर सर्कल सहित उनके वार्ड में कई जगहों पर उनके स्वागत की तैयारियां भी की गई थी। समाज की ओर से भी उषा का स्वागत किया गया था। हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। मार्च अप्रैल में पुरस्कार राष्ट्रपति प्रदान करते हैं, हालांकि कोरोना के चलते इस बार ये पुरस्कार नहीं दिए जा सके थे। देश में विभिन्न क्षेत्रों में विशेष योगदान देने वालों को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाता है। असाधारण और प्रतिष्ठित सेवा के लिए पद्म भूषण और किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है। कुल 119 लोगों को ये पुरस्कार दिए गए, 10 लोगों को पद्म भूषण, 7 को पद्म विभूषण और 102 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सम्मान पाने वाले कुल 119 लोगों में 29 महिलाएं और एक ट्रांसजेंडर भी शामिल है। पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल एक्ट्रेस कंगना रनौत, सिंगर अदनान सामी, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी पीवी सिंधु और मैरी कॉम, बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा, शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र उन नामों में आते हैं जिन्हें हर कोई जानता है, जिनसे हर कोई वाकिफ है, इनकी उपलब्धियां सबको पता है, लेकिन कुछ ऐसे चेहरे और तस्वीरें लोगों के सामने आई हैं जिन्हें अब से पहले शायद ही कोई जानता होगा, लेकिन आज ये शक्ति, सम्मान और नए भारत की तस्वीर बन गई हैं। आइए आपको ऐसे ही 5 योद्धाओं के बारे में बताते हैं। तुलसी गौड़ पद्मश्री। सोमवार की सुबह राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में पद्म सम्मान दिए गए। इस हॉल में जैसे ही तुलसी गौड़ का नाम गूंजा, हर किसी की नजर उन पर टिक गई। तुलसी गौड़ को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री अवार्ड से नवाजा। तुलसी गौड़ जब दरबार हॉल में दाखिल हुई तो उनकी सादगी से सबका मन मोह लिया। तुलसी गौड़ ने कपड़े के नाम पर साधारण सी चादर जैसे कपड़े पहने थे, गले में आदिवासी जीवन शैली के कुछ मामूली सी मालाएं थी। वो बिना चप्पल के यानी नंगे पांव पद्मश्री सम्मान लेने आई, तो ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर तुलसी गौड़ है कौन। तुलसी गौड़ा कर्नाटक के होनाली गांव की रहने वाली हैं, जो कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन उन्हें पेड़ पौधों और जड़ी बूटियों का ऐसा ज्ञान कि उन्हें इंसेफ्लाइपीडिया ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है। तुलसी गौड़ा पिछले 6 दशकों से पर्यावरण संरक्षण के काम में जुटी हुई है। पेड़ पौधों से तुलसी गौड़ा का रिश्ता दशकों पुराना है। तुलसी खुद बताती हैं कि उन्होंने 20 साल की उम्र में ही पेड़ पौधों को अपनी जिंदगी में शामिल किया।
तुलसी गौड़ा बताती हैं कि मैंने यहाँ तब काम करना शुरू किया जब मैं 20 साल की थी। मेरी शादी शायद 12 साल में हो गई थी, मुझे ठीक से याद नहीं। जब 3 साल की थी तो पिता का देहांत हुआ। तुलसी गौड़ा अपनी जिंदगी में कभी स्कूल नहीं गई। छोटी उम्र में वो अपनी माँ के साथ नर्सरी में काम किया करती थी। वहीं से उनके अंदर पर्यावरण के लिए काम करने का जज्बा आया। वो पिछले 6 दशकों से पर्यावरण के संरक्षण का काम कर रही हैं। उन्होंने अब तक 30,000 से ज्यादा पौधे लगाए और अभी भी वन विभाग की नर्सरी की देखभाल करती हैं। पद्मश्री से पहले उन्हें इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र अवार्ड, राजोत्सव अवार्ड और कविता मेमोरियल जैसे कई सम्मानित किया जा चुका है। आज भी वो कई पौधों की बीमा करने के लिए खुद वन विभाग की नर्सरी तक जाती हैं। पीढ़ी को भी यही संस्कार देना चाहती हैं। जब्बा कर्नाटक के मंगलौर शहर में एक संतरा विक्रेता है। उनकी उम्र 65 साल की है। अपने गांव में स्कूल ना होने की वजह से अजब्बा खुद पढ़ाई नहीं कर सके, लेकिन शिक्षा के प्रति उनका समर्पण ऐसा था कि अब वो शिक्षितों के लिए भी मिसाल बनकर उभरे हैं। अजब्बा ने मंगलौर शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर हरेकला न्यूपाडू गांव में एक स्कूल का निर्माण कराया। वर्तमान में स्कूल में गांव के 175 वंचित छात्र हैं। अजब्बा 1977 से मंगलौर बस डिपो पर संतरा बेच रहे हैं और उसने कभी किसी स्कूल में पढ़ाई नहीं की। अपने गांव में शिक्षा क्षेत्र में क्रांति लाने की उनकी इच्छा 1978 में उनके दिमाग में तब आई जब एक विदेशी ने उनसे संतरे की कीमत पूछी। पद्म पुरस्कार विजेता ने बताया कि मैं केवल कन्नड़ जानता हूँ, अंग्रेजी या हिंदी नहीं, इसलिए मैं उदास था क्योंकि मैं विदेशी की मदद नहीं कर सका। मैंने अपने गाँव में एक स्कूल बनाने के बारे में सोचा। अजब्बा का स्कूल बनाने का सपना 2 दशक बाद ही साकार हुआ। उन्होंने पूर्व विधायक दिवंगत यूटी फरी से संपर्क किया जिन्होंने साल 2000 में निर्माण को मंजूरी दी। अजब्बा ने 28 छात्रों के साथ स्कूल शुरू हुआ था और अब कक्षा 10वीं तक 175 छात्र उनके द्वारा बनवाए गए स्कूल में पढ़ते हैं। पद्म पुरस्कार विजेता ने अपने गांव में स्कूल और कॉलेज बनाने का लक्ष्य किया है। वो कहते हैं कि उन्होंने पैसा लिया और स्कूल और कॉलेजेस के लिए जमीन खरीदने के लिए पुरस्कार राशि जमा की। अजब्बा ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने गाँव में एक प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज का निर्माण करने का अनुरोध भी किया है। साल 2020 और 2021 के लिए 2 पद्म पुरस्कार समारोह का आयोजन सोमवार को सुबह और शाम में किया गया। दान किए गए पुरस्कारों में 7 पद्म भूषण थे। मोहम्मद शरीफ पद्मश्री। अयोध्या के मोहम्मद शरीफ को लोग लाशों के मसीहा के नाम से जानते हैं। 43 साल के मोहम्मद शरीफ के रहते जिले में पिछले 25 सालों से किसी भी लावारिस लाश का अंतिम संस्कार के लिए तरस नहीं पड़ा है। उनकी समाज सेवा के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वैसे तो मोहम्मद शरीफ को पद्मश्री मिलने की घोषणा 25 जनवरी 2020 को ही कर दी गई थी, लेकिन कोरोना संकट के चलते उन्हें और पद्म पुरस्कार पाने वाली कई हस्तियों को अब जाकर सम्मान मिला।
सोमवार को पद्मश्री से नवाजे जाने के बाद से ही मोहम्मद शरीफ के जिले के लोगों में खुशी की लहर है। 1992 में मोहम्मद शरीफ के बड़े बेटे रईस की सुल्तानपुर में एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। शरीफ को इस हादसे के बारे में पता नहीं था। रईस की लाश सड़क पर ही पड़ी रही और कोई उसे अस्पताल नहीं ले गया। खबरों की माने तो रईस की लाश को जानवरों ने नोच खाया, इस कारण मोहम्मद शरीफ अपने बेटे को दफना भी नहीं पाए। इस बात ने उनको अंदर तक हिलाकर रख दिया। तब मोहम्मद शरीफ ने कसम खाई कि किसी भी मुर्दा की दुर्गति नहीं होने देंगे। खबरों की माने तो तभी से मोहम्मद शरीफ जिले के अस्पतालों में जाकर हर लावारिस लाश के बारे में पता करते रहे हैं। जब भी उन्हें लावारिस शव पाए जाने की खबर मिलती है तो अपना ठेला लेकर पहुंच जाते हैं। अगर किसी लाश को 72 घंटों तक कोई नहीं लेने आता तो पुलिस वो लाश मोहम्मद शरीफ को दे देती है, जिसके बाद शरीफ उस अज्ञात शव का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करते हैं। मोहम्मद शरीफ मरने वाले व्यक्ति के धर्म के मुताबिक ही उसका अंतिम संस्कार करते हैं। शव किसी हिंदू का है तो सरयू के किनारे पूरे रीति रिवाजों के साथ उनका दाह संस्कार किया जाता है। वहीं मुस्लिम होने पर शव को कब्र में दफना देते हैं। इस तरह मोहम्मद शरीफ अब तक 25,000 से ज्यादा लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। लोग तो उन्हें लावारिस लाशों के वारिस और मसीहा कहने लगे हैं। अयोध्या जिले के खिड़की अली बेग मोहल्ले में मोहम्मद शरीफ एक किराए के मकान में रहते हैं। उनकी साइकिल मरम्मत करने की दुकान है, जो फिलहाल उनका बेटा आशिफ चलाता है। उनका दूसरा बेटा शबीर ड्राइवर है। शरीफ कई सालों तक दुकान भी चलाते रहे और समाज सेवा के काम भी करते रहे हैं। दिन भर वो 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने लायक ही कमा पाते हैं, लेकिन पैसे की किल्लत कभी उनकी समाज सेवा के आड़े नहीं आई है। इन दिनों मोहम्मद शरीफ काफी बीमार है, इतने कि अब उनके लिए बिस्तर से उठ पाना भी मुश्किल है। ऐसे में दोनों बेटे मिलकर घर खर्च चलाने के लिए उनका इलाज करा। राही बाई सोमा पोपेरे पद्मश्री। राही बाई के उपलब्धियों के सफर की कहानी 20 साल पहले शुरू हुई थी, जब उनका पोता जहरीली सब्जी खाने के बाद बीमार पड़ा। उस पल राही बाई ने जैविक खेती की शुरुआत करने का मन बनाया। बात सिर्फ खेती तक ही सीमित नहीं रही, बीजों का ऐसा बैंक तैयार किया गया जो किसानों के लिए बेहद मुफीद साबित हुआ है। 56 साल की राही बाई सोम पेपरे आज पारिवारिक ज्ञान और प्राचीन परंपराओं की तकनीकों के साथ जैविक खेती को एक नया आयाम दे रही है। राही बाई कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन खेती के क्षेत्र में उनके ज्ञान का लोहा वैज्ञानिक भी मानते हैं। इन्हें सीड मदर के नाम से जाना जाता है। राही बाई ने अपनी मेहनत से बीजों का बैंक तैयार किया है। यहाँ के बीज कम सिंचाई में भी किसानों को अच्छी फसल देते हैं। राही महाराष्ट्र के अहमदनगर के छोटे से गाँव की रहने वाली है, जो एक आदिवासी परिवार से ताल्लुक रखती है। बीजों को सहजने का काम पुश्तैनी था और राही ने उसे आगे बढ़ाया, इतिहास रच दिया। वो कहती है कि 12 साल की उम्र में शादी हुई, कभी स्कूल नहीं जा पाई, लेकिन खेती के विज्ञान ने मुझे हमेशा आकर्षित किया है। 20 साल पहले मैंने बीजों को इकट्ठा करना शुरू किया था, इन्हें सजोया और बेटी को हाइब्रिड की जगह इन्हीं बीजों से खेती की सलाह दी। सफर शुरू हुआ, धीरे धीरे महिलाएं इसमें जुड़ती रही। बीजों का बैंक बनने पर पड़ोस के गाँव ने सम्मानित किया। आज परंपरागत बीजों की मांग महाराष्ट्र और गुजरात में अधिक है। मैं और दूसरी महिलाएं मिलकर परंपरागत तौर पर मिट्टी की मदद से बीजों को सहेजने का काम कर रही है। राही बाई ने 50 एकड़ से भी ज्यादा भूमि को संरक्षित किया है, जिसमें 17 से ज्यादा फसलें उगाई जा रही हैं। वहीं 3,500 किसानों के साथ मिलकर काम भी कर रही हैं और उन्हें तकनीक से फसलों की पैदावार बढ़ाने के भी गुण सिखा रही हैं। इसके लिए राष्ट्रपति के हाथों इन्हें नारी शक्ति सम्मान भी मिल चुका है और करीब ये कहा जा सकता है कि वो 100 शक्तिशाली महिलाओं में भी शामिल हो चुकी हैं। राही कहती है कि जहरीले खान पान के कारण हम लोग आसानी से बीमारियों का शिकार होते रहे हैं। हम अपनी जरूरत के मुताबिक फसल उगा सकते हैं, इसलिए जो मेरे पास आता है उसे मैं परंपरागत खेती के गुण सिखाती हूँ। लोग कहते हैं परंपरागत बीज से फसल की अधिक उपज नहीं ली जा सकती, लेकिन मैं कहती हूँ ये कम से कम जहरीली फसल की अधिक पैदावार से बेहतर है। हमारे बीजों को किसी तरह के कोई फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं है। हिमताराम भांबू जी पद्मश्री। 1975 से अब तक 5.5 लाख पौधे रोप चुके हिमताराम भांबू का पर्यावरण प्रेम उन्हें पद्मश्री की उपाधि दिला चुका है। हिमताराम कहते हैं कि 1975 में उनकी दादी 95 साल की थी। उन्होंने एक पीपल का पेड़ लगाने और उसकी देखरेख करने को कहा। बतौर हिमताराम मेरी दादी कहती थी कि ये पेड़ है ही जो तुम्हें आगे की जिंदगी देगा, और इसी को मानते हुए मेरा पेड़ लगाने का सफर शुरू हुआ। हिमताराम ने नागौर के नजदीक हरीमा गांव में 6 एकड़ जमीन खरीदी और उस पर भी एक समृद्ध जंगल तैयार किया। अब यहाँ 300 से ज्यादा पेड़, मोर, पशु और पक्षी रहते हैं। हिमताराम कहते हैं कि जब पीपल के पेड़ को बढ़ते हुए देख रहे थे तो धुन लग गई थी कि अब तो हर जगह पेड़ ही लगाने हैं। इसी की बदौलत आज मेरे लगाए गए करीब 3 लाख पौधे बड़े पेड़ बन चुके हैं और लोगों को प्राणवायु प्रदान कर रहे हैं। और जब खुद का खेत भी जंगलों के लिए तैयार कर रहे थे और उसमें पेड़ पौधे लगा रहे थे, तब भी उन्होंने घर वालों के विरोध का सामना किया, लेकिन हरियाली देखकर उनके घर वाले भी उनकी मुहिम का
समर्थन करने लगे। वो कहते हैं कि मेरा एक ही बच्चा है लेकिन पेड़ अनेक हैं, और जब मेरे बेटे ने इस मुहिम में मेरा साथ दिया तो हौसला और बढ़ता गया। अब तो मेरा लक्ष्य है कि 2030 तक 5 लाख पौधे लगाकर ही दम लूं। तो सोमवार को पुरस्कार से सम्मानित वो हस्तियां जिन्हें पहले से ही लोग जानते हैं, उन पर तो सबकी नजर बनी हुई थी, सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कर रहा था, लेकिन कुछ ऐसे चेहरे जो हिंदुस्तान के आम थे लेकिन राष्ट्रपति से सम्मान उन्होंने पाया, उन पर नजरें जा पाना बेहद मुश्किल हो रहा था। टीवी चैनल्स तो बकायदा इनकी तस्वीरें चला रहे थे, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए भी लोग इन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनसे हमें अनेकों प्रकार की प्रेरणा मिलती है जो आने वाले समय के लिए बेहद जरूरी है, आने वाली पीढ़ी के लिए जरूरी है। आज के भारत एट नाइन की स्पेशल एडिशन में फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर लौटेंगे एक ऐसे मुद्दे के साथ जो आपके लिए बेहद जरूरी है, जिनके बारे में जानना जरूरी है।